अब देखते हैं बेटा स्पीड क्या होता है। स्पीड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। तो डिस्टेंस की जो रेट है, स्पीड का सबसे सिंपल फॉर्मूला जो आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब भी कभी रेट वर्ड आता है फिजिक्स में, डिवाइड बाय टाइम करना पड़ता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए छोटा सा डिस्टेंस लेना पड़ेगा अपॉन छोटा सा टाइम। तो डिफरेंशिएट करके अगर हम स्पीड निकालते हैं किसी पॉइंट पे, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलती है। और स्पीडोमीटर जो होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है आपकी। स्पीडोमीटर गिव्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं और उसमें स्पीडोमीटर लगा हुआ है, तो हर टाइम पे स्पीड अलग अलग बताता है। तो स्पीडोमीटर जो होता है वो आपको उसी इंस्टेंट की स्पीड बताता है, इसलिए उसे इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड विच डू नॉट चेंज, स्पीड विच डू नॉट चेंज, ऐसी स्पीड जो बदलती नहीं है इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ऐसी स्पीड जो कभी बदलती नहीं है उसे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड विथ चेंजेस नॉन यूनिफॉर्म को वेरिएबल भी कहते हैं, और यूनिफॉर्म को कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड को कांस्टेंट स्पीड से भी चलना कहते हैं। तो अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो उसे यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं, और अगर बॉडी की स्पीड बदल रही है, स्पीड विथ चेंजेस, स्पीड विथ चेंजेस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। ऐसी स्पीड जो बदले उसको नॉन यूनिफॉर्म, वो जो नहीं बदले वो यूनिफॉर्म स्पीड। आ गया समझ में? सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड। अब देखते बेटा एवरेज स्पीड क्या होती है। रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला निकलेगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। न्यूमेरिकल से समझते से, बॉडी गोस फ्रॉम ए टू बी विथ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बैक विथ अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड एवरेज स्पीड।
बॉडी ए से बी गई है, ए से बी, ए से बी का डिस्टेंस एक्स ले लिया, गई है 40 से और आई है 60 से। तो पहले हम जाने का टाइम निकालेंगे। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जाने का टाइम हो गया एक्स अपॉन 40। तो जाने का टाइम एक्स अपॉन 40, लेट इट बी t1, और वापस आने का टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि एक्स अपॉन 60। तो एवरेज स्पीड जो कि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकालना है, टोटल डिस्टेंस एक्स प्लस एक्स, टोटल डिस्टेंस एक्स प्लस हो गया अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2। तो एक्स प्लस एक्स अपॉन 40 प्लस एक्स अपॉन 60, तो ये हो जाएगा बेटा 2x, एक्स कॉमन 1/40 प्लस 1/60। इसका एलसीएम ले लेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा 48 किलोमीटर पर आवर। एक और एग्जांपल देखते हैं। बॉडी गोज फ्रॉम ए टू बी फॉर हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड अदर हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v2। फाइंड एवरेज स्पीड। तो बॉडी ए से बी गई है, आधा डिस्टेंस v1 से चली है और आधा डिस्टेंस v2 से चली है। तो इधर का टाइम मान लिया t1, इधर का टाइम मान लिया t2। तो बेटा टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आधा डिस्टेंस डिवाइड बाय v1 यानी कि x अपॉन 2 v1, और बाकी आधा डिस्टेंस चली है इतने टाइम में एक्स अपॉन 2 डिवाइड बाई v2, तो इसे एक्स अपॉन 2 v2। तो एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 अपॉन टाइम t1 प्लस t2। तो ये आ जाएगा बेटा एक्स अपॉन 2 v1 प्लस एक्स अपॉन 2 v2। कॉमन ले लेंगे एक्स, 1/2 v1 प्लस 1/2 v2। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। पहली बार तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 2 v1 v2। जब हम 2 v1 से डिवाइड करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा v2, और v2 से 2 v2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा v1। तो ये सॉल्व करेंगे तो बेटा ये कितना आएगा, 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, अब देखते हैं बेटा एक और क्वेश्चन एग्जांपल देखते हैं। बॉडी गोज फ्रॉम ए टू बी फॉर हाफ टाइम विद स्पीड v1 एंड अदर हाफ टाइम विद स्पीड v2। फाइंड एवरेज स्पीड। आधे समय v1 से चलिए, आधे समय v2 से चलिए। हाफ टाइम v1 से चलिए और हाफ टाइम v2 से चलिए, क्योंकि स्पीड अलग अलग है तो डिस्टेंस अलग अलग होगा। मान लो इधर का x1 है और इधर का x2 है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम।
एक्स वन निकालेंगे, स्पीड है वी वन, टाइम है टी बाई टू। एक्स टू निकालेंगे, स्पीड है वी टू, टाइम है टी बाई टू। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम हो गया टी बाई टू प्लस टी बाई टू। तो वी वन इंटू टी बाई टू, वी टू इंटू टी बाई टू अपॉन टी, टी बाई टू प्लस टी बाई टू टी हो गया। तो टी कॉमन ले लिया, वी वन बाई टू प्लस वी टू बाई टू टी, टी और टी कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा इसका वी वन प्लस वी टू बाई टू। देखते हैं बेटा वेलोसिटी क्या होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डी एस बाई डी टी। ध्यान रखें जब भी कभी डिफरेंशिएट करके निकालते हैं तो स्मॉल टाइम इंटरवल पर निकलती है, और स्मॉल टाइम इंटरवल पर जो वेलोसिटी निकलती है उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कहते हैं। तो ये डी एस बाई डी टी डिफरेंशिएट करके निकल रही है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब वेलोसिटी जो है दो चीजों से मिलके बनती है, स्पीड एंड डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन चेंज होगा तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, अगर स्पीड चेंज होगा तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और दोनों चेंज होंगे तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहते हैं? वेलोसिटी विच डू नॉट चेंज विथ टाइम, या वेलोसिटी विच डू नॉट चेंज। ना तो मैग्नीट्यूड बदले ना डायरेक्शन बदले, नीदर मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन शुड चेंज, नीदर मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन शुड चेंज। इफ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इफ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी। अच्छा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को कांस्टेंट वेलोसिटी भी कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी विच चेंजेस, वेलोसिटी विच चेंजेस या वेलोसिटी इन विच आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज। इट इज कॉल्ड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बहुत सिंपल सी बात है, जब वेलोसिटी चेंज होगी तो नॉन यूनिफॉर्म कह देंगे, और जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो यूनिफॉर्म कहेंगे।
और यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसे कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट रहे। एक एग्जांपल देखते हैं बेटा एवरेज वेलोसिटी का। फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक टिप ऑफ कर लेते हैं, टिप ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक फ्रॉम 6 AM टू 6:15 AM इफ साइज ऑफ हैंड इज 5 सेंटीमीटर। तो बेटा एक क्लॉक है उसमें मिनट वाली सुई जो है वो पहले 6 पर है, 6 बज रहे हैं, तो 6 बजे मिनट वाली सुई यहाँ होगी और 6:15 पे मिनट वाली सुई यहाँ आ जाएगी। तो उसका टिप का डिस्प्लेसमेंट ये होगा, तो 6 AM से 6:15 AM, 6 AM टू 6:15 AM टाइम विल बी 15 मिनट्स। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये आर है ये आर है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, रूट टू आर। आर जो है रेडियस है या हैंड की लेंथ है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा रूट टू इंटू 5 सेंटीमीटर। तो एवरेज वेलोसिटी आएगी, एवरेज वेलोसिटी जो आएगी वो आएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 5√2 और टाइम हो जाएगा 15 मिनट। इसको सेकंड में कर लेता हूँ तो ये वैल्यू सॉल्व करके आ रही है तुम्हारी 5√2 अपॉन 15 × 60। 5 × 3 = 15, तो दिस इज √2 अपॉन 180 सेंटीमीटर पर सेकंड। चाहो तो आप इसे डेसिमल में भी निकाल सकते हो, √2 की वैल्यू 1.414 रखती हूँ। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम। इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करके देखते हैं। बॉडी गोज फ्रॉम ए टू बी विथ स्पीड ऑफ 40 km/h एंड रिटर्न बैक विद द स्पीड ऑफ 60 km/h। फाइंड एवरेज वेलोसिटी। देखो पहले बॉडी ए से बी गई, फिर बी से ए वापस लौट आई, तो जिस पॉइंट से चली थी उसी पॉइंट पे वापस लौट आई, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, तो 0 / t 0 आ जाएगी।
ये सब डेटा फालतू के लिए दे रखा है।